हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं मेडिकल कैंसर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज तारीख है 20 जून और आइए बात करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत हो रही है नीति आयोग से। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, क्वेश्चन इज कि नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसके अध्यक्ष और कोई नहीं, इसके अध्यक्ष बने हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यानी कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और इस कमेटी का पूरा काम ये है कि अध्ययन करेगा कृषि से रिलेटेड चीजों को और ये कृषि को इजी बनाने की कोशिश करेगा। कृषि एवं कमेटी श्रमिकों से रिलेटेड सारी चीजों का अध्ययन करेगा। तो अध्यक्ष कौन बना है? श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। अगली न्यूज पर चलते हैं। उबर टेक्नोलॉजी ने किसे भारत एवं दक्षिण एशिया का प्रमुख नियुक्त किया है? उबर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक, आपको पता है कि जैसे कार आप जो यूज करते हो, कैब जो यूज करते हैं, तो उबर टेक्नोलॉजी काफी बड़ी कंपनी है कैब्स के मामले में। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है भारत एवं दक्षिण एशिया का, ये है प्रदीप परमेश्वरन। क्या नाम इनका? प्रदीप परमेश्वरन। प्रदीप परमेश्वरन को इसका अध्यक्ष या फिर मुखिया नियुक्त किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले भारतीय बॉल बॉय कौन बन गए? तो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले भारतीय बॉल बॉय बने हैं ऋषि तेज। इनका नाम है ऋषि तेज, ये 10 वर्षीय हैं। और बॉल बॉय क्या होता है? जो मतलब आउटफील्ड में बैठ के बॉल को कलेक्ट करता है उसे बॉल बॉय बोलते हैं। तो ये 10 वर्षीय ऋषि तेज पहली बार बॉल बॉय बने भारत की तरफ से। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड इन्होंने कब बनाया, ये एक मैच हो रहा था बेल्जियम और पनामा के बीच में। तो बेल्जियम और पनामा के बीच में जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और इस मैच के तहत ये पहली बार ऐसे बॉल बॉय बन गए हैं जो इस मैच में बॉल को कैच करेंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा पहली बार किस खेल को खेलने की लत के मानसिक बीमारी घोषित की है? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि WHO ने किसी खेल को खेलने की लत की मानसिक बीमारी घोषित किया है। तो WHO को कहना है कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हो तो ये एक मानसिक बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। आई डोंट नो ये रिपोर्ट इन्होंने कौन से पैरामीटर पर जारी करी, लेकिन अगर WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो उनका ऐसा कहना है। अगस्त में होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास उल्ची फ्रीडम गार्डियन को किन दो देशों के बीच में होना था जो कि अब रद्द कर दिया गया है? तो उल्ची फ्रीडम गार्डियन जो सैन्य अभ्यास होना था, ये होना था अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में, अमेरिका एंड साउथ कोरिया के बीच में, जिसे अब कर दिया गया है रद्द। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे होना था सैन्य अभ्यास, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में सैन्य अभ्यास होना था और अब इसे रद्द कर दिया गया है। अगले न्यूज पे चलते हैं। अगले न्यूज आ रही है भारतीय सेना वर्ष 2018 के किस वर्ष के रूप में मना रही है? 2018 को भारतीय सेना मना रही है। इसकी एक थीम है जो कि आपको याद रखना है, इसकी थीम आप याद रखिए कि ड्यूटी पर अक्षम हुए सैनिकों के वर्ष के रूप में मनाया रही है। तो इस बार ये थीम है कि जो ड्यूटी पर काम कर रहे थे जो हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक, और वो अक्षम हो गए और इस कारण ये इस बार इस वर्ष के रूप में इनको कहीं ना कहीं एक प्राउड फील कराने ये सेना इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है। अगले न्यूज पे चलते हैं। योग राजदूत द्वारा 2018 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो 2018 अगर बात करी जाए तो ये जो क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये योग राजदूत द्वारा 2018 ये आयोजित किया जा रहा है केरल में। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? केरल। और केरल एक काफी खूबसूरत स्टेट और यहाँ पे राजदूत द्वारा लागू किया जा रहा है। कौन सा अमेरिकी राज्य गोवा के साथ एक सिस्टर समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है? तो गोवा के साथ जो हस्ताक्षर कर रहा है ये कौन सा अमेरिकी राज्य है? ये हवाई जो अमेरिकी राज्य है ये गोवा के साथ समझौता कर रहा है जिसमें एक सिस्टर समझौता इसका नाम रहेगा। और इससे इस हस्ताक्षर करने के बाद इससे गोवा और हवाई के बीच में सहयोग में वृद्धि होगी, यानी कि गोवा और हवाई के बीच में ये टाई अप का काम करेगा ये जो समझौता हो रहा है। 16 जून 2018 को कितने आधार कार्ड तैयार किए गए? 16 जून 2018 तक की बात करी जाए तो 121.4 करोड़ आधार कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। तो ओवरऑल 12 अंकों का ये आधार कार्ड नंबर होता है जो कि बायोमेट्रिक और से लिंक्ड रहता है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाए तो फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जो अमीर व्यक्तियों की सूची में जो पहले आपको जो नाम हमेशा याद रहता था बिल गेट्स, जी हाँ अब ये बिल गेट्स नहीं है, अब ये है जेफ बेजोस।
क्या नाम इनका, जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, जिनके बारे में अगर बात करी जाए तो ये अमेज़न जो कंपनी है, अमेज़न के संस्थापक हैं, और जेफ बेजोस द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विद द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ 141.9 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते क्या है चलते हैं, तो सातवीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की जाएगी, सातवीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहां पे ये सातवीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करी जाएगी। और ओपेक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जितनी भी कंट्रीज पेट्रोल का निर्यात करती हैं उन सब की मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है ओपेक। और ओपेक की जो सातवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी ये कहाँ पे की जाना है, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है ये है वियना, और यहीं पे ये मीटिंग होने वाली है। अगले न्यूज पे चलते हैं, अगली न्यूज आ रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी यात्रा के दौरान किस देश में अज्ञात सैनिक के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो रामनाथ कोविंद जी एक देश की यात्रा पर थे और यहाँ पे इन्होंने एक अज्ञात सैनिक की जो उनका एक स्मारक बना हुआ था उस पर इन्होंने अपना ओवरऑल देखा जाए तो श्रद्धांजलि इन्होंने अर्पित करी। तो ये कौन से देश की यात्रा पर थे, तो ये आज आपका फाइनली होमवर्क क्वेश्चन हो गया जो कि आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो ये है कि अभी अगर मैं एक एक्चुअल में इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपको कन्वे करना भूल गया यहाँ पे कि पीडीपी और बीजेपी जिनका जो टाई अप था जम्मू कश्मीर में, अब ये टाई अप ब्रेकअप हो गया है और इसके बाद वहां पे अब राज्यपाल का शासन लागू हो गया है। तो ओवरऑल जो गवर्नर का शासन होता है वहां पे लागू हो गया है और इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल गई, तो अब वहां पे राष्ट्रपति शासन रहेगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है आपका आज होमवर्क क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद जी की यात्रा के दौरान वहां पे कहां पे उन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।